प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका विजिट और मिस्र में दौरा करने के बाद मध्य प्रदेश आ रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिहाज से पीएम मोदी अब एक्टिव मोड में नजर आने वाले हैं। साल के आखिर में एमपी में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी 27 जून को भोपाल पहुंच रहे हैं। यहां पर वो भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर के लिए दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम भोपाल में करीब 3 घंटे रुकेंगे। खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू मार्केट से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक मेगा रोड शो करेंगे। इसके बाद वो शहडोल के लिए रवाना हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 26 जून को अमित शाह भी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर सूबे के विंध्य क्षेत्र पहुँच रही है। इनके निशाने पर होंगी मध्य प्रदेश की 29 विधानसभा सीटें। इन 29 सीटों में विंध्य और आदिवासी क्षेत्रों की सीटें होंगी। इन 29 सीटों में से 11 पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है, लेकिन बताया जाता है कि बीजेपी की चिंता विंध्य क्षेत्र की सीटों को लेकर ज्यादा है, जहां निकाय चुनाव में पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। इससे पहले पीएम मोदी अप्रैल में मध्य प्रदेश आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में हुए इस दौरे में पीएम राजधानी भोपाल पहुंचे थे। दरअसल मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों और 29 लोकसभा सीटों वाला हिंदी राज्य है। लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी की यहां स्थिति बेहतर है। उसे 28 सीटें मिली हुई हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। पिछले 2 दशकों से राज्य की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने बाजी मार सरकार बनाई थी, लेकिन 1.5 साल बाद ही बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बना ली। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य भूमिका में रहे। वो अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, जिसके बाद एमपी की सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ लगी थी। लेकिन इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब पीएम मोदी ने भी मध्य प्रदेश की सत्ता फतह करने कमर कस ली है। लंबे वक्त से पीएम मोदी का मध्य प्रदेश पर खासा फोकस रहा है। 2022 में अक्टूबर के महीने में पीएम मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। उस वक्त उनके साथ सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। तो सितंबर के महीने में अपने जन्मदिन के दिन 17 तारीख को पीएम मोदी ने करीब 75 साल बाद देश को 8 चीतों की सौगात दी। इसके लिए भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना गया। हाल ही में रीवा में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जहां उन्होंने 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7853 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,11,000 लोगों का वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। अब वो एमपी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी का लंबे समय से मध्य प्रदेश पर खासा फोकस रहा, तो ऐसे में इन 29 सीटों के साथ पूरे एमपी पर मोदी मैजिक काम करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।